किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन व्यवसाय, पशुपालन है, बकरी पालन, भेड़ पालन, सुअर पालन या मुर्गी पालन, ये बहुत सहयोगी हो सकता है। जीडीपी में कृषि का जो सारा जीडीपी है उसमें लगभग आधे के आसपास योगदान, 44% योगदान इस व्यवसाय का है, और इस व्यवसाय से किसान की आमदनी बढ़ाई जा सकती है वो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट करके। आप देख सकते हैं कि जो आज के पशु हैं उनकी अगर दूध की उत्पादन की क्षमता दुगनी हो जाए, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, इनपुट तो कॉस्ट वही रहेगी, खर्चा भी वही रहेगा। तो इस दिशा में हमने पूरी कोशिश कर रखी है, और उसके लिए जो हमारी विधियां हैं कि नस्ल सुधार के लिए हम कोशिश करें, और हमने पूरा कोशिश कर रखी है कि जो नेचुरल गर्भाधान के तरीके थे उसमें, जिसमें अच्छी नस्ल के वो नहीं होते थे, सांड या झोटे, उनकी बजाय उनका सीमेन जो बहुत अच्छी सर्टिफाइड जो हैं मेल, वो यूज करें। तो हमने एआई के माध्यम से ये नीति शुरू कर रखी है। 30 रुपये में हम एआई करते हैं, जो बिल्कुल नॉमिनल सा है, और उससे धीरे 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 करके इनकी, हमारी जो पशुओं की नस्ल सुधर रही है। उसके बाद आ जाती है कि एक मुद्दा था हमारे यहाँ कि जो पुरानी हमारी HFR गाय आई, उनके सांड यहाँ आजकल बैलों से खेती नहीं होती, तो वो गलियों में घूमते थे, लोग समस्या बताते थे। तो ये फैसला हुआ कि सिर्फ बछड़ियाँ पैदा हों ऐसी को टेक्नोलॉजी लेके आए। उसके लिए भी हमने लगभग 2-2.5 लाख सीमेन की डोजेज खरीदी, उनका प्रयोग किया है, और उससे जो सक्सेस रेट आया है हमारा, 20-25 हज़ार बछड़ियाँ पैदा हुई है, कुछ गर्भ में है, कुछ हो गए हैं। और तीसरी जो चीज़ आई है, यूनिवर्सिटी ने, हमारी एलुवास यूनिवर्सिटी है, वैज्ञानिकों ने ETT, एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है कि जैसे एक बहुत उच्च नस्ल की सांड है और उच्च नस्ल की फीमेल है, और उन दोनों से गर्भाधान से जो बच्चा पैदा होता है तो निश्चित तौर पर वो भी अच्छे दूध वाला ही होगा, लेकिन वो एक ही बच्चा पैदा होता है। एम्ब्रियो में क्या होता है कि जब वो गर्भ में से उससे निकाल के एक बच्चे से वो 20-25 बच्चे बना लेते हैं, और वो कोई भी दूसरी गाय के पेट में रख के वहाँ पैदा कर सकते हैं। तो एकदम से मल्टीप्लाई हो जाता है कि अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करने में वो एक की बजाय 20-25 कर सकते हैं। तो वो भी हमने यूनिवर्सिटी को टारगेट दे रखा है। मैं कल पिछले हफ्ते मीटिंग की थी हमारे विभाग के अधिकारी, किसान और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और उनको टारगेट दिया है कि ऐसे 1 लाख बच्चे पैदा करने हैं, वो एम्ब्रियो बनाएं। हमारा विभाग किसानों से सहयोग करेगा, गौशालाओं से सहयोग करेगा, और इसी तरीके से अगर हम चलेंगे तो एकदम से क्रांति आ जाएगी और दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा, पशुओं का जो नस्ल है वो सुधर जाएगी। और हिसार में तो क्लोनिंग का काम भी किया हुआ है कि एक कोशिका से बिल्कुल हूबहू जैसा जिसकी कोशिका लेंगे वैसा ही बच्चा पैदा कर देते हैं। हमारे हिसार में केंद्रीय सरकार का एक फार्म है, उसने 8-10 जो कटड़े हैं बिल्कुल सिमिलर पैदा कर रखे हैं, आप जाके देखिए। तो बहुत सारा अच्छा काम चल रहा है, लेकिन अब मकसद ये है कि लेबोरेटरी से ये काम को निकाल के किसान के उसमें ले जाए, रिसिपिएंट के पास, लाभार्थी के पास लेके जाए, और ये काम बहुत तेज़ गति से करेगा। मैंने सबको टारगेट दिया है, हर जिले को बताया है कि आपको इतना करना है, आपको इतना करना है, और इससे जो है किसान की आमदनी बढ़ेगी।